5000 समर्थकों के साथ प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल। कांग्रेसियों में भयंकर जश्न। आपको बता दें, तेलंगाना के पूर्व मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव ने शनिवार को भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS से इस्तीफा दे दिया। वह रविवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा संबोधित की जाने वाली सार्वजनिक बैठक में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए BJP से निलंबित किए गए जित्ता बालकृष्ण रेड्डी और यन्नम श्रीनिवास रेड्डी भी कांग्रेस में शामिल होंगे। इसी के साथ ये सदस्यता हैदराबाद में शुरू होने वाले कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक के साथ मेल खाती है। नागेश्वर राव ने BRS छोड़ दिया, जिसके एक दिन बाद तेलंगाना के AICC प्रभारी माणिक राव ठाकरे ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी के साथ हैदराबाद में उनके आवास पर मुलाकात की थी। पिछले महीने रेवंत रेड्डी ने नागेश्वर राव को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्लेयर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिए जाने के बाद पूर्व मंत्री BRS से नाराज थे और BRS ने कांडला उपेंद्र रेड्डी को टिकट दिया है और जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे लेकिन बाद में BRS में शामिल हो गए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।